सो हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सब की? कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो पे गाइस थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ SBI की सैलरी स्लिप के बारे में, इनफैक्ट SBI जूनियर एसोसिएट की सैलरी स्लिप के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है गाइस, आफ्टर 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट June 2024 की सैलरी स्लिप है। यहाँ आप देख पाओगे कि एक जूनियर एसोसिएट की सैलरी स्लिप है, बट ये आपको एक एक्चुअली एसोसिएट की सैलरी स्लिप है, क्योंकि आप जैसे ही एक साल पूरा करते हो आपका SBI में एज अ जूनियर एसोसिएट, फिर आप बन जाते हो एसोसिएट, ठीक है। तो एकदम से लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, ध्यान से देखना, बहुत तगड़ी मोटिवेशन आपको मिलने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ज्वाइन करने वाले हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बेसिक पे यहाँ पे अभी 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बढ़ने के बाद ये 31,370 रुपये हो चुका है, ठीक है। सैलरी बड़ी है गाइस, यहाँ बेसिक बड़ी है तभी आपकी सैलरी बड़ी है, ठीक है। देखो ये जो मैं यहाँ पे जो सैलरी बताने वाला हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक पेट्रोल अलाउंस, मैगजीन अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिलके आप कह सकते हो 4,000 से 5,000 के आसपास इनको मिल जाते हैं। तो वो मैं लास्ट में ऐड करके आपको बताऊँगा कि टोटल इनकी सैलरी क्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि बेसिक इनकी 31,370 रुपये है, डीए 7,685 रुपये, 7,685 रुपीज़, हाउस रेट अलाउंस 3,500 के आसपास इनको मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 के आसपास। एरियाज ऑफ अर्निंग, देखो ये जो एरियाज है गाइज, ये एक्चुअली कई बार आपको ऐसा होगा कि स्टाफ शॉर्टेज के वजह से कैपेबिलिटी बढ़ा के काम करी जाती है या फिर करने दिया जाता है, तो इसकी वजह से आपको थोड़े अलाउंसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इनको 7,500 के आसपास इस महीने की एरियाज आई है, ठीक है। स्पेशल अलाउंस यहाँ देख सकते हो 8,000 के आसपास है, 8,300 रुपये टू बी एग्जैक्ट। स्पेशल पे यहाँ देख सकते हो 2,500 के आसपास है, इनफैक्ट 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद ये और जुलाई की सैलरी स्लिप में और बढ़ने वाली है, ये ऑलमोस्ट 4,300 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात कर ले टोटल इनकी ग्रॉस की, यहाँ आप देख सकते हो ग्रॉस इनकी ऑलमोस्ट 62,000 के आसपास इनकी ग्रॉस सैलरी है, 62 प्लस आप कह सकते हो कि वहाँ पे अगर एवरेज ले ले 3,000 से 5,000 का आपको वो अलाउंसेस लाइक पेट्रोल अलाउंस, मैगजीन अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो यहाँ मैं अगर 4,000 भी ऐड करता हूँ, 62 + 4, 66 के आसपास इनकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस या फिर छोटे छोटे और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, वो मैं किसी और दूसरे वीडियो पे डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं इनके डिडक्शंस, क्या क्या डिडक्शंस है भाई, इसने क्या क्या डिडक्शंस हुए हैं इनके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे EPF जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इनकी डिडक्शंस हुई है 3,387 रुपये, ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास ये डिडक्शन हुए हैं, ठीक है। यहाँ आप ये वाला डिडक्शंस एंड ये वाला डिडक्शन NPS डिडक्शंस, ये कंपलसरी है गाइज, ये किसी भी जूनियर एसोसिएट का ये डिडक्शन होगा ही, ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, जैसे मान लो प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पे 150 रुपये ये आपके कटेंगे। टू व्हीलर लोन, इन्होंने देखो आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने टू व्हीलर लोन ले रखा है, तो इसलिए 1900 रुपये इनके कटते हैं उसमें। यह हर किसी का नहीं कटेगा गाइस, अगर आपने कोई स्कूटी वगैरह या फिर कुछ ले रखा हो, बाइक ले रखी हो, तो ये आप जब फाइनेंस कराते हो बैंक से, तो उसका लोन का ये आपका डिडक्शन होता है, ये हर किसी का नहीं कटेगा। अगर आपने नहीं ले रखा है तो आपका नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ आप यूनियन का देख सकते हो 215 रुपये कटते हैं, ये यूनियन का हर महीने का चार्ज है। BFE, EPF एरियाज, ये देखो कुछ कुछ एरियाज जो आपको यहाँ मैंने पहले बताया था कि ये वाले एरियाज जो आपको मिले हैं, तो इसके ही कुछ डिडक्शंस हुए होंगे। तो ये हर महीने नहीं कटेगा आपका, कभी कभी कटता है, जब आपके एरियाज ज़्यादा आएंगे तब ये कभी कभी कटेगा आपका, ठीक है। वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं होता, 200 से 250 के आसपास ही होता है। यहाँ आप देख सकते हो NPS का डिडक्शन है 4,000 के आसपास, एंड BFE NPS मंथली कंट्रीब्यूशन ये 7 रुपये, कोई बड़ा डिडक्शन है नहीं, ठीक है। तो ये सारे डिडक्शंस मिला के अगर देखें टोटल इनकी डिडक्शंस हो जाती है, यहाँ आप देख सकते हो 9,000 से 10,000 के आसपास, ठीक है। तो इसके अलावे जो डिडक्शन, और तो कुछ डिडक्शन है नहीं यहाँ पे, तो टोटल टेक होम पे इनका जो घर लेके जाते हैं ये भाई साहब 52,000 के आसपास, प्लस वहाँ पे 4,000 जो अलाउंस मैंने बताया था पेट्रोल मैगजीन, ये सारे मिला के 56 के आसपास इनकी सैलरी हो जाती है फिलहाल, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी है, SBI ज्वाइन करो, अच्छे से थोड़ा मेहनत करो भाई साहब, नौकरी हो जाएगी, बहुत तगड़ी चीज़ है, SBI इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, इन्जॉय करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, Cheers.